हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सूजी का कटलेट बनाएंगे। पहले आलू को भून लेंगे। कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, अभी कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये सरसों तेल है, मस्टर्ड ऑयल है के 2 चम्मच डाले। आलू को फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया, अब इसमें मिर्ची डालेंगे 1-2 रेड मिर्च डालनी होगी। अब ये थोड़ी सी जमाइन डालेंगे, उसके बाद प्याज डाल देंगे। ये हमारा कढ़ी पत्ता है, इसको भी थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ी सी प्याज भून लेंगे। हल्का सा प्याज भुना गया है, अब इसमें ये शिमला मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। ये बंधा भी डाल देंगे। अब इसको 1-2 बार भूनने के बाद फिर गाजर डालेंगे। बंदा को मिक्स कर लिए, अब उसके बाद गाजर डालेंगे। उसके बाद धनिया पत्ता डालेंगे, बारीक कटा हुआ। सबको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी इसको भून लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम आलू डालेंगे। देखिए थोड़ा सा भुना गया है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ठीक है। अब हमारा ये भुना गया है, अब आलू डालेंगे, उबला हुआ आलू डालेंगे। आलू को इस तरीके से हाथ से तोड़ तोड़ के मिक्स करेंगे। आलू डालकर मिक्स कर लिए हैं। तरीके से अब थोड़ी सी लहसुन पेस्ट डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक। चिली पाउडर डाल लिए, और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डालिए, कम तीखा चाहिए तो कम डालिए। ये जीरा पाउडर है 1 चम्मच के लगभग, 1/2 चम्मच के लगभग गोल मिर्च पाउडर। अब फिर से सबको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारे चीज़ हम लोग डाल लिए हैं। उसके बाद अब ये आलू को थोड़ी सी भून लिए हैं। ये हमारा आलू भुना गया है। पैन को गैस पे चढ़ा देंगे। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, पैन गर्म हो जाएगा तो 2 चम्मच तेल डालेंगे ताकि ज़्यादा चिपके नहीं। और 1/2 चम्मच के लगभग चिली पाउडर डाल देंगे। उसके बाद इस कटोरी से 3 कटोरी पानी डाल देंगे। तीन
तीन कटोरी हम लोग पानी डाले थे इसी कटोरी से, और इससे डेढ़ कटोरी सूजी डालेंगे। सूजी डालने के पहले एक चम्मच नमक डाल लेंगे ताकि अच्छे से सूजी में मिक्स हो जाए। चला देंगे, उसके बाद धीरे धीरे सूजी डालेंगे। आधा कटोरी और डालेंगे, एक कटोरी डाल दिया, आधा कटोरी और डालेंगे। इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग चला चला कर इसको हो गया है। अब इसको किसी तरह से चला चला के मिक्स कर लिए हैं, सूजी हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको देखिए इस तरीके से 7-8 मिनट छोड़ दिए तो ठंडा हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उस टाइप से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं, इसमें थोड़ी सी तेल डाल लेंगे। ताकि अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। जिस पैन में हम लोग बनाए थे उसी में मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से ये का आटा की तरह गुना गया है, गुन दिए हम लोग। देखिए चिकना भी हो गया सब तो। अब इसमें आलू का फिलिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा मिक्स हो गया है, मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा चिकना हो गया और पूरा मिक्स भी हो गया है। अब हम लोग इसमें आलू का फिलिंग करेंगे। इसे बना लिए तो थोड़ा सा फर्श को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। तो इसको आप चाहें तो ये नहीं भी लगा सकते, ये मैदा मैं लगा रही हूँ, नहीं भी लगा सकते। अच्छे पर अच्छे से बेल लीजिएगा तो ऐसे ही चिपक। मैं इसको लगा ली तो आसानी से ये भी ला गया। अब इस पे मैं लोग का जो आलू का फिलिंग था इसको फिल करेंगे। अब बड़ा छोटा कोई भी साइज या कोई भी शेप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको बना रही हूँ, ऐसे आप एक फर्श पर भी रख कर इसको ऐसे राउंड राउंड कर सकते हैं। देखिए इसको बड़ा भी और बना के कट भी कर सकते हैं। इसको ऐसे हम लोग चिपका देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। इसको चाहे तो ऐसे करके भी हम लोग इसको कट कर करके बना सकते हैं। और ऐसे मैं इसे दूसरा ही शेप दूंगी तो अच्छे से ये कर दें। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और पतला भी हो जाएगा। अगर पतला करना चाहें तो पतला भी हो जाएगा। इस तरीके से इसको मैं कोई और शेप दूंगी। ये जो मेरा ये
साइड था इस साइड की ओर नीचे की ओर इसको रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसको और अच्छा शेप भी दे सकते हैं, कोई भी शेप मनचाहा शेप इसको दे सकते हैं। इसको ऐसे भी कर देंगे, देखिए ये शेप। इसी तरीके से कोई भी डिफरेंट शेप दे सकती है, मैं ऐसा शेप दी हूँ। पहले मैं इसको थोड़ी सी बना कर रख लूँगी, उसके बाद मैं फिर फ्राई करूँगी। ये सूखा मैदा फिर से डाल दिए इसको, और इसी तरह से गोल बनाए थे, अभी स्क्वायर बनाएंगे। देखिए हम लोग को ये गोल नहीं बनाना, इसीलिए अब थोड़ा सा ये सूखा मैदा लगा लेती हूँ कि ताकि चिपके नहीं। आप चाहें तो नहीं भी यूज कर सकते हैं, तेल का भी यूज कर सकते हैं, अगर तेल से अच्छे से बन जाए तो। से कोई ज़रूरी नहीं है कि सूखा मैदा ही यूज करें। इस तरीके से मैं स्क्वायर टाइप का बेल ली हूँ। इसको चाहे तो पूरी तरह से स्क्वायर कट करके भी कर सकते हैं। आलू का फिलिंग जो था हमारा, फिर से इसको डाल देंगे। इसी तरह से जैसे पहले बनाए थे इसको तरीके से, ये देखिए ये अच्छे से बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो ये फिर खुल जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लीजिए, हल्का हल्का जैसे पहले हम लोग किए थे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर लेने से ये क्या होगा कि जो हम लोग इसको बंद किए हैं वो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा और खुलने का चांस नहीं रहेगा। इस तरीके से फिर इसको ऐसे कर दिए हम, इसको मैं स्क्वायर ही बना देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, बस इसको पहले की तरह दबा देंगे। सिर्फ ये गलती हो गया, तरीके से रेक्टेंगल, बस ये जितना ये प्रेशर अपने हिसाब से दीजिए, लेकिन ये फटना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे कर देती हूँ तो जल्दी हो जाता है। देखिए इसको मैं रेक्टेंगल शेप दे दी हूँ, पहले हम लोग कोई और शेप दिए थे, भी कोई और शेप दे दी हूँ, बस थोड़ी सी शेप में डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, बस इस तरीके से। अभी ये थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप दे दी हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। एक पैन ले लिए हैं, अब उसमें तेल डालेंगे, तरीके से तेल डाल दिए, और तेल हमारा गर्म हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ये सूजी का कैटलेट डालेंगे। लोग तेल को चेक कर लेंगे हमारा तेल गर्म हो गया है कि नहीं, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम उसमें कटलेट डालेंगे आराम से। ये इस तरीके से हम लोग डाल दिए, इसको फ्राई कर लेंगे। इसे धीमी धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज आंच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। धीमे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। अब इसको देख लेते हैं साइड हुआ कि नहीं, हो गया है, अब इसको पलट लेंगे। दोनों साइड हमारा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया है, अब एक एक करके सारा निकाल लेंगे।
देखिए ये मेरा हमारा फ्राई करके बन गया है। अब मैं इसको, जिन लोग को कम घी तेल, ज़्यादा घी तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो ऐसे इसको खा सकते हैं हल्का तेल में। फिर मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ ये बहुत लोग को तेल घी खाना मना भी रहता है, बहुत लोग नहीं भी पसंद करते हैं, इसलिए वो ग्रिल करके भी खा सकते हैं। इस तरह से डाल दी, एक साइड होने दूंगी, तब दूसरे साइड पलटूंगी। देखिए साइड हो गया है, तो दूसरे साइड में पलट ली हूँ। अब ये हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। प्लेट हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये हम लोग फ्राई कर लिए हैं और इसको हम लोग सेक लिए हैं, क्योंकि बहुत लोग को घी तेल खाना मना भी रहता है, इसलिए हम लोग सेक कर भी बना सकते हैं और फ्राई कर भी कर सकते हैं। अब हम लोग सॉस, क्योंकि सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे। अब सर्व करने के लिए हमारा सूजी का कटलेट बनकर तैयार है। आप चाहें तो मीठे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, नमकीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नए नए रेसिपी का वीडियो लेकर आती रहूँगी।